हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के सभी छात्र छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट्स को जानने से पहले हम सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। आइए आपको बताते हैं, जैसा जितने भी बच्चे चाहे यूजी फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों और फोर्थ ईयर के हों, या आप पीजी के ही स्टूडेंट हो, चाहे पीजी फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो, जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी बच्चों के लिए। इसके साथ साथ जो भी बीएड के बच्चे हैं या एमएड के बच्चे हैं, इन सभी बच्चों के लिए आज की इन्फॉर्मेशन है। हमने यह वीडियो आप सबके लिए कुछ दिन पहले ही बनाया था कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब बात होती है कि इसमें कुछ बच्चों ने फिर फर्दर कमेंट किया कि सर एडमिट कार्ड हम लोग कहाँ से पाएंगे, कैसे पाएंगे, तो आइए आज उस सभी प्रॉब्लम का हम आपको सलूशन देते हैं। देखिए, एडमिट कार्ड पूर्वांचल विश्वविद्यालय, आप सब जानते हैं पूर्वांचल का जो विद्या पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो एग्जाम है वो 23 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। 23 मार्च अगर हम बात करें जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की जो कैंपस का कैंपस एग्जाम है, जो कैंपस में, वो आपका 23 मार्च से, और जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है वहाँ का जो एग्जाम है वो 24 मार्च से स्टार्ट है। एफिलेटेड कॉलेज पूर्वांचल अगर यूनिवर्सिटी से हम बात करें, लगभग 932 कॉलेज क्या है पूर्वांचल विश्वविद्यालय से क्या है, एफिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे जितने भी कैंपस में है वो लोग, कैंपस के जो स्टूडेंट्स होंगे वो एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, और वो 14 मार्च को ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आज 19 मार्च हो चुके हैं, आज 19 मार्च हो गया है, कल संडे हो जाएगा, परसों से आप फिर मंडे को आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाएंगे। जितने भी अगर हम बात करें यहाँ पे कैंपस के स्टूडेंट के, तो कैंपस स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ से बात करेंगे, वहाँ पे जो जैसा डिपार्टमेंट आपको बताया जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड पा जाएंगे, ठीक है। अब जो बच्चे हैं एफिलेटेड कॉलेज से, एफिलेटेड कॉलेज में अगर हम बात करें, जैसे अगर हमारा TDPG कॉलेज हो गया, हाँ मोहम्मद हसन PG कॉलेज हो गया, सिया कॉलेज हो गया, राज कॉलेज हो गया, हाँ कुटीर महाविद्यालय हो गया, तो इन सभी विद्यालयों के बच्चों को एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जितने भी टीडी कॉलेज के बच्चे हैं वो टीडी कॉलेज के गेट के बाहर जो कंप्यूटर्स की दुकान है वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे और पता करेंगे सर एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको मंडे से आपका एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है आप सब जानते हैं कि जो 24 को आप यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं अभी फिलहाल वो क्या करेंगे, वो एडमिट कार्ड अपना ले लेंगे। उसके बाद जितनी भी यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की जो भी एग्जाम है वो कब से स्टार्ट है, 28 मार्च से स्टार्ट है। तो उनका जो एडमिट कार्ड होगा हो सकता है एक हफ्ते बाद से मिले, और लेकिन जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सबका एडमिट कार्ड आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करें मोहम्मद हसन के बच्चों को एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो जितने भी मोहम्मद हसन के बच्चे हैं उनको उनके कार्यालय पे एडमिट कार्ड मिलेगा, तो आप अपने कार्यालय पे जाएंगे वहां से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। राज कॉलेज के बच्चों की बात करें तो राज कॉलेज के बच्चों को भी राज कॉलेज के गेट के सामने कंप्यूटर्स की दुकान है, आप वहां से आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। सेम आपको सिया कॉलेज की अगर हम बात कर दें तो सिया कॉलेज में भी आपको जो एडमिट कार्ड है आपके डिपार्टमेंट से ही मिलेगा। तो ऐसे ही सभी कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं जहां आप अपने कॉलेज में जाएंगे, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से मिलेगा, कहीं कहीं कॉलेज के बाहर जो कंप्यूटर्स की दुकान होते हैं, साइबर कैफे होते हैं, आपको वहां से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आप एडमिट कार्ड पा सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं अपने एग्जाम स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले आप वहां से जाकर एडमिट कार्ड लेंगे, उसके बाद अपने एग्जाम को दे पाएंगे। तो सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, सभी बच्चे अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। और एक बात, जितने भी बच्चे अगर हमारे इस वीडियो को BSc के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारे द्वारा BSc केमिस्ट्री का आपको MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे 15 क्वेश्चन सीरीज को हमने कंप्लीट सॉल्व कराया जा रहा है हमारे द्वारा। तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे जहाँ पे आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैथमेटिकल कंसेप्ट का भी सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे अगर MSc हैं, MSc केमिस्ट्री के जितने भी बच्चे हैं, हम MSc केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो आप एमएससी के उस प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी एमएससी के एमएससी केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।